सोपिया में दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए सतना जिले के रामपुर के गौरव ग्राम दलदल निवासी शहीद कर्णवीर सिंह को रामपुर बाघेलान पहुंचकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारजनों के साथ इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए ईश्वर से कामना की। साथ ही कहा कि इस दुनिया में जो आया है उसका जाना निश्चित है, मगर देश की सेवा के लिए कुर्बान होकर अपनी याद छोड़ने जाने वाला योद्धा और महापुरुष सौभाग्य से ही मिलते हैं, जिसमें उन्होंने ऐसे सपूत को जन्म देने वाली माता को और उनके पिता को प्रणाम किया जिन्होंने इस तरह के सपूत को जन्म दिया था। वहीं विधायक विक्रम सिंह ने शहीद के दादाजी, पिता और माता जी को ऐसे सपूत को देशभक्ति मार्ग में लगाने और देश की रक्षा की प्रेरणा देने के लिए धन्य माना, जिसमें शहीद के पिता भी आर्मी में सेवा दे चुके थे और अपने पुत्र को भी देश की सेवा रक्षा के लिए भेज दिया, जिसमें शहीद को शत शत नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद गणेश सिंह रामपुर बघेलान, विधायक विक्रम सिंह विक्की के साथ कई भाजपा नेता और प्रशासनिक अधिकारी में अनुविभागीय अधिकारी सुधीर बैग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक तिवारी, नायब तहसीलदार अखिलेश शर्मा, एपीओ अजय सिंह, महेश शर्मा, डीएसपी हेड क्वार्टर थाना प्रभारी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित थे। शहीद हुए करणवीर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया। हम सबके लिए निश्चित रूप से बहुत ही दुख का विषय है। करणवीर सिंह जी की शहादत हुई है। यद्यपि यह सच है कि शहादत तो गर्व का विषय है, लेकिन जिस परिवार में व्यक्ति के निधन के कारण रिक्तता आती है उसकी भरपाई किसी भी रूप में नहीं की जा सकती। आमतौर पर जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन मृत्यु का स्थान व्यक्ति के जीवन को सार्थक बना देता है।